हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज़ क्लासेस ऑफ एल्गी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी। द एल्गी डिवीज़न इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फ्योफाइसी एंड रोडोफाइसी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कलर और टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। दीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली वन क्लास, दैट इज क्लोरोफाइसी, ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी, जिनको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म, तीनों तरह की फॉर्म्स जो है प्रेजेंट होती हैं। ये यूनिसेलुलर भी हैं, कुछ कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ जिस तरह से फंजाई होती है इस तरह का फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी होता है बहुत सारे एल्गी का। नेक्स्ट, ग्रीन, दे आर ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है, जिसकी दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द नेम ऑफ दिस क्लास, दैट इज़ क्लोरोफाइसी। नाउ वट इज़ द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन दिस क्लास। जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये डिस्कोइड शेप में प्रेजेंट होते हैं, कई प्लेट लाइक हैं, रेटिकुलेट हैं जिसमें एक नेटवर्क बना होता है, कप शेप में भी प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, स्पायरल शेप में भी प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। आपने ये स्पायरल जो फॉर्म है ये आपने एक बार देखी भी होगी, स्पायरल फॉर्म। जब आप स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो स्पायरल और रिबन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब पायरेनोइड्स, व्हाट आर पायरेनोइड्स? पायरेनोइड्स जो है क्या होते हैं, तो स्टोर करते हैं ये प्रोटीन्स को। इट इज़ ए माइक्रो कंपार्टमेंट, एक छोटा सा कंपार्टमेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। और इसका फंक्शन होता है टू स्टोर प्रोटीन एंड स्टार्च ऑल्सो, दोनों की जो स्टोरेज है वो होती है पायरेनोइड्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोर फूड। इनमें जो स्टोर फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है। सेल वॉल में जो इनर लेयर है दैट इज़ ऑफ सेलुलोज और जो आउटर लेयर है दैट इज़ ऑफ पेक्टोज। तो सेलुलोज के ऊपर जो है पेक्टोज, अगर हम सेलुलोज की लेयर मान के चलें कि सेल वॉल है, तो उसके ऊपर जो है पेक्टोज की लेयर जो है वो फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट कहते हैं हम रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, किस किस तरह का रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है। थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव जो है फ्रेगमेंटेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स की फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल जू स्पोर्स के थ्रू होता है। ये सभी मैं प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ। वट आर जू स्पोर्स? दीज आर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टाइप का स्पोर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होता है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। ये तीनों टर्म मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। आइसोगैमस इन विच सेम टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर फॉर्म्ड, एनाइसोगैमस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स फॉर्म, ओगैमस इन विच मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज इमोटाइल एंड इज ऑफ लार्ज साइज। नाउ एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। तो एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन एल्गी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में जो ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है, दीज आर क्लोरोप्लास्ट विच आर स्पायरली कोइल्ड, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन स्पायरोगायरा, फिलामेंटस फॉर्म होती है ये। जो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेलुलर फॉर्म है, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे। वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल फॉर्म है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पूरी वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। आप ये जो डार्क बड़े बड़े पैचेज हैं ये
वॉल्वॉक्स नहीं है, ये वॉल्वॉक्स की माइक्रो कॉलोनी है, छोटी कॉलोनी। तो ये जो बीच में आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं दिख रहे हैं, दीज आर वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो ये एक पूरी कॉलोनी बना लेते हैं जिसमें ये छोटी छोटी नई कॉलोनीज जो है बीच में डेवलप हो रही हैं। स्पायरोगायरा जो है मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म है। इसके अलावा युल्वा जो है ये भी एक इसकी मल्टी सेलुलर ग्रेन फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास और इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको मिनिमाइज कर दिया है तो इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि जब भी ये है गैमिट्स, ये दो हैं गैमिट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं दिस वन इज गैमिट, दिस वन इज गैमिट, ये दोनों गैमिट है। जब ये गैमिट फ्यूज करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे जाइगोट की। हमें पता है कि जो एल्गी हैं उनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस होके ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा, स्पोर की फॉर्मेशन मियोसिस होगी तो सारे के सारे स्पोर क्या होंगे, दीज आर हैप्लोइड। हैप्लोइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है क्लेमाइडोमोनास में। तो उसके बाद जो कुछ स्पोर्स तो ऐसे हैं जो जाके वेजिटेटिव स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, और कुछ स्पोर ऐसे हैं कि जो आगे डिवाइड करके वो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, गैमिटोफाइट की। दिस इज नोन एज गैमिटोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या आ जाएगा, स्पोरोफाइट जाइगोट से लेके यहाँ जो ये डिवीजन हुई, बस जाइगोट को ही, इतनी सी स्टेज को हम स्पोरोफाइट के अंदर को कंसीडर करेंगे, दैट इज जाइगोट एंड दिस फिजन। इसके बाद स्पोर्स के बाद गैमिटोफाइट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये मल्टी सेलुलर गैमिटोफाइट यहाँ पे फॉर्म हो गया, इस गैमिटोफाइट से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे गैमेट्स की। तो यहाँ पे डिवीजन कौन सी होगी, क्योंकि ये सारे के सारे स्पोर्स क्या थे, हैप्लोइड। तो गैमेट्स भी क्या होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगी दैट विल बी माइटोसिस, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे माइटोसिस होगी और मियोसिस सिर्फ जाइगोट में होगी। अभी गैमेट्स बन गए, तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अब आगे आपको इमेज दिखा रही हूँ मैं क्लेमाइडोमोनास की, डिटेल्ड स्ट्रक्चर। क्लेमाइडोमोनास में आप ये देख पा रहे हैं इसमें टू फ्लैजेला जो है प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल जो कि प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टोरेज ग्रेन्यूल है जहाँ पे ऑयल की फॉर्म में जो है फूड स्टोर किया जाता है, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इनसाइड दिस वन इज न्यूक्लियस, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये गॉल्जी एपरेटस है। क्लोरोप्लास्ट जो है यू शेप्ड या कप शेप भी हम कहते हैं, यहाँ पे इस फॉर्म में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये बीच में क्या है, आप कहाँ से कहाँ तक आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये ध्यान रखना, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, अभी मैं इसको लाइन करती हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थाइलेकोएड्स और इसी के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जो स्टार्च को और प्रोटीन्स को स्टोर करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी, लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।